अवध प्रांत, काशी प्रांत, गोरक्ष प्रांत, कानपुर प्रांत, सारे जत्थे तैयार हो गए हैं, मोटरसाइकिलों के भी, बसों के भी, ट्रेनों के भी, वो सारे जत्थे निकलने वाले हैं। और अद्भुत होगा, आप सबको भी मैं निवेदन करता हूँ, शायद इसमें जो भी लोग हैं जिनकी उम्र 38 वर्ष होगी, अधिकांश लोगों की 38 वर्ष होगी, 38 वर्ष के लोग जो हैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन को प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखे, क्योंकि 1992 में 25 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। क्या संदेश देंगे आप इस जो दिया, या लंका की तरीके से भगवान राम के द्वारा जो अंगद के द्वारा संदेश दिया गया था, उस रावण को, उस हठी रावण को, जिद्दी रावण को, कि अभी आपको सद्बुद्धि आ जाए, भगवान सीता, मां सीता को आपका सम्मान वापस कर दो, जो संदेश अंगद लेकर गए थे रावण के पास, जो संदेश भगवान कृष्ण लेकर गए थे महाभारत में कि अभी भी मान जाओ, जो कौरों का हक, जो पांडव का हक है वो हक दे दो, वही संदेश के लिए हम ये धर्म सभा कर रहे हैं। ये आखिरी संदेश होगा, नहीं ये संदेश उनके निर्माण का जो विरोध में खड़े हैं, जो उनके रास्ते में बाधा है, वो कोई भी हो सकता है, सत्य जो राम विरोधी ऐसे हैं, जो आज मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे राम को नकारने वाले, जो भगवान, जो हिंदू को आतंकवादी कहने वाले, भगवान आतंकवादी कहने वाले, मंदिर मंदिर घूमने वाले, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, जो आज मंदिर में राम नामी दुपट्टा ओढ़कर विष्णु मंदिर बनवाने की बात करने वाले, ऐसे सारे लोगों से हम कहते हैं।